जफरुल्लाह साहब खराज समाजी कारकुन भले साहब। जफरुल्लाह साहब यहाँ पे नायब तहसीलदार 30 अप्रैल के बाद अभी तक यहाँ पे कोई नायब साहब नहीं आए हैं। 30 अप्रैल को यहाँ पे जो साहब का नायब साहब थे वो रिटायर हो चुके हैं, तो उनके जाने के बाद यहाँ पे कोई अभी तक नहीं आया है, तो उससे कितनी अवामी परेशानी हो रही है, तो आप क्या कहते हैं इसके बारे में? देखिए, मैं इस बारे में आपको ये बताऊं कि मैंने बड़ी कोशिश की, जिला एडमिनिस्ट्रेशन को भी मैंने इतला दे दी कि यहाँ हमारी जो नई नायाबत है, ये जो सामने बोर्ड लगा है, तो नई नायाबत जो है, तो इसमें हमारे जो नायब तहसीलदार साहब हैं वो रिटायर हो गए 30 अप्रैल को, लेकिन उसके बाद यहाँ आवाम बड़ी मुश्किल से दो चार हो रही है। और ये सामने जो हमारे यहाँ तहसील हेडक्वार्टर है, वहाँ भी मैंने खुद दो चार बार चक्कर लगाए, लेकिन वहाँ हमारे तहसीलदार साहब मौजूद नहीं है। हमारी जो फाइलें लगी है वो कुछ 6 महीने से लगी है आरबीए की, वहां बिल्कुल हमने सन्नाटा देखा, लेकिन परसों में अंतपाट वहां खुद गया, एक मुलाजिम को मैंने पाया वहां, तो मैंने अपनी फाइल को हैंड ओवर कर दी, लेकिन वो 20 तारीख को मैंने हैंड ओवर कर दी, लेकिन आज तकरीबन 30 दिन हो गए, अभी तक मेरी फाइल जो कि 2 है, लेकिन बहुत सारी फाइलें जो है वहां पड़ी हुई है। इसलिए मैं जिला एडमिनिस्ट्रेशन से यही एक दरखास्त करता हूं, ऊपर हमें मंत्री से भी रब्ता अगर हो गया तो हम करने की कोशिश करेंगे, तो फौरन यहां हमें तहसीलदार साहब भी जो अक्सर छुट्टी पे रहते हैं, तो उनको भी वहां भेजा जाए, और यहां जो हमारे नायब साहब हैं जो रिटायर होने के बाद जो यहां पोस्ट खाली है उनको भी भेजा जाए। तो तहसीलदार साहब जब छुट्टी गुजार के आते हैं तो कितना काम करते हैं? वो बहुत काम करते हैं तहसीलदार साहब, उनके साथ मेरी जाति बात होगी, लेकिन वो फाइलों में एक फाइल तो शायद हफ्ते में एक फाइल निकालते हैं, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हमारे बच्चे यहाँ स्कूल में पढ़ते हैं, स्कॉलरशिप का मसला है, वहाँ कागज लगते हैं, हमें आरबीए की सर्टिफिकेट लगती है, लेकिन वो वैसा मसला नहीं रहने में आता है, तो इसे हम जिला एडमिनिस्ट्रेशन में खुसूसी डीसी साहब डोडा से भी रब्ता करने की कोशिश करूंगा, तो वहां से हम एक गुजारिश करके यहाँ हमारे जो मुतलका अफसर रहने वालों को फौरन भेजा जाए, ताकि आवाम राहत की वो सांस ले। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हमारे गरीब बच्चों की फाइलें वहाँ पेंडिंग पड़ी हुई हैं, क्या वो फाइलें वहाँ मौजूद है? और साहब क्लर्क उनसे भी मेरी बात होगी, लेकिन फाइलें जो कि तो हैं, पिछले कुछ हफ्ते पहले हमने वहाँ धरना भी दिया था, लेकिन वो धरना था रोड के बारे में, यहाँ बड़ी प्रॉब्लम है लोगों को, लेकिन वहाँ उस दिन हमारे 2000 फाइलें निकाली थी, लेकिन उसके बाद फाइलें जो कि तो है। बड़ा कुछ मन थी बड़ा।